हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और सर्दियां स्टार्ट हो गई है तो बाज़ार में बहुत ही बढ़िया और ताज़े आंवले आ रहे हैं। तो चलिए आज हम बिना धूप लगाए आंवले की एकदम नई रेसिपी बनाएंगे, जिसे आप 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके भी खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ मैंने आंवले को सबसे पहले अच्छे से धो के 2 से 3 बार वॉश कर लिया है और इसका सारा धूल और मिट्टी अच्छे से साफ हो गया है। और अब हम एक एक करके आंवले को इस तरीके से छन्नी पे रखेंगे। और यहाँ मैंने नीचे एक बर्तन भी रखा है। यहाँ मैंने 300 ग्राम आंवले का यूज़ किया है। और अब हम इसमें 1 कटोरी या 1 कप पानी डालेंगे। और अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और हम इसे मीडियम फ्लेम पे इसे ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे आंवला हमारा अच्छे से स्टीम हो जाएगा। और आप देख सकते हैं 15 मिनट हो गए हैं, आंवले हमारे अच्छे से पक गए हैं और इसके ऊपर क्रैक्स भी आ गए हैं। इसका मतलब है कि आंवला हमारा अंदर तक अच्छे से पका है। और अब हम इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और आंवले को प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रखेंगे। और आप देख सकते हैं आंवले को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और आंवला ठंडा भी हो गया है। और अब हम आंवले के इस तरीके से कलियां निकाल लेंगे और इसका बीज अलग कर लेंगे। और आप देख सकते हैं आंवले की कलियां बहुत ईजिली निकल रही है। सेम तरीके से हम सारे आंवले की कलियां निकाल लेंगे। और इस तरीके से आंवले की आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत पसंद आएगा। और आप देख सकते हैं एक एक करके यहाँ मैंने सारे आंवले की बीज को अलग कर लिया है। और अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें सारे आंवले के पल्प को डालेंगे। और इसमें एक टुकड़ा अदरक भी हम इस तरीके से काट कर डालेंगे। अगर आप अदरक खाते हैं तो ज़रूर डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 से 3 बड़े चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे। और अब हम जार का ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे। और आप देख सकते हैं आंवला यहाँ हमारा अच्छे से ग्राइंड हो गया है। यहाँ मैंने इसे बिल्कुल बारीक ग्राइंड किया है। सेम तरीके से आप भी इस रेसिपी को बनाने के लिए ग्राइंड कर लें। और अब हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे और पैन को अच्छे से गर्म होने के लिए रखेंगे। और आप देख सकते हैं पैन हमारा गर्म हो गया है। हम इसमें आंवले के पल्प डालेंगे और इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, जिससे पल्प जलेंगे नहीं। और अब हम पल्प को 1 से 2 मिनट के लिए इस स्पैचुला से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे इसका मॉइस्चर सूख जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से इसे पका ले रही हूँ, जिससे इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसका सारा मॉइस्चर अच्छे से सूख जाएगा। और अब हम इसमें चीनी डालेंगे। यहाँ मैंने जितना आंवले का पल्प लिया था उतना ही चीनी ऐड कर रही हूँ। आप इसे बनाने के लिए चीनी की जगह मिश्री या गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे, जिससे चीनी भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा और अच्छे से ये पक भी जाएगा। और आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। और इस टाइम पे हम इसमें 1/2 चम्मच काला नमक डालेंगे। काला नमक से इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और काला नमक डाल के हम इसे एक बार फिर से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे काले नमक का फ्लेवर सारे पल्प में मिक्स हो जाएगा। और इसे हम कंटिन्यू 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, जिससे सारे इंग्रेडिएंट जलेंगे नहीं और ये अच्छे से पकेंगे भी। और हमने जो इसमें अदरक ऐड किया है तो इससे आपका कफ, सर्दी जुकाम का भी प्रॉब्लम दूर होगा। और आप देख सकते हैं इसे पकाते हुए लगभग 6 से 7 मिनट हुए और पल्प हमारा काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो गया। और अब हम 4 चम्मच पानी में 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
जिससे इसमें एक भी लम्स नहीं रहेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे अच्छे से 20 से 25 सेकंड के लिए मिक्स कर लिया है। और अब हम इसे आमले के पल्प में डालेंगे और 10 सेकंड के लिए गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। और हाई फ्लेम पे हम इसे आमले में अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे, जिससे कॉर्नफ्लावर से इसका टेक्स्चर और बढ़िया और थिक हो जाएगा। और इसे मिलाते हुए लगभग 10 सेकंड हो गए और आप देख सकते हैं पेस्ट हमारा गाढ़ा हो गया है। और अब हमें इसमें 1/2 टीस्पून घी डालेंगे। यहाँ मैंने जमे हुए घी का यूज़ किया है, आप इसकी जगह मेल्टेड घी का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम घी डालकर एक बार फिर से आमले के पल्प को अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। और आप देख सकते हैं आमले के पल्प में बहुत ही बढ़िया शाइन आ गया है। और आमले का पल्प पकाते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी अच्छे से थिक हो गया है। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और अब हम इसे पैन में अच्छे से फैला करके ठंडा होने देंगे। और इस रेसिपी को बनाना जितना ज़्यादा आसान है उसके बेनिफिट और फ़ायदे अनगिनत हैं। और अब यहाँ मैंने एक बटर पेपर के ऊपर अच्छे से घी लगाकर इसे फैला लिया है। और अब हम आंवले के पल्प को बटर पेपर के ऊपर डालेंगे। बटर पेपर के ऊपर डाल करके हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। और अब हम दूसरा बटर पेपर डालकर इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे, या आप इसे अच्छी तरीके से बेल करके इक्वली स्प्रेड भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने हल्के हाथों से दबाते हुए इसे अच्छे से फैला लिया है। और अब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। और आप देख सकते हैं बटर पेपर हमारा अच्छे से चिपक गया है। और यहाँ मैंने आमले को ठंडा होने के लिए रख दिया था। और आप चाहे तो इसे जल्दी ठंडा होने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारा जेली बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो गया है। और अब हम बटर पेपर को रिमूव कर लेंगे। और आप देख सकते हैं बटर पेपर को यहाँ मैंने रिमूव कर लिया है और जेली हमारा बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया है। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं आमले के पल्प से बनी हुई जेली हमारा अच्छे से सेट हो गया है। और अब हम एक नाइफ़ या चाकू लेंगे और इससे जेली को अच्छे से कैंडी का शेप में कट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे अच्छे से स्क्वायर शेप में कट कर ली हूँ। आप इसे अपनी पसंद के कैंडी के शेप में कट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारा आंवले की इंस्टेंट बिना धूप लगाए जेली कैंडी बनके तैयार हो गई है। और अब हम इसे पाउडर शुगर या पिसी हुई चीनी में डालकर इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे पाउडर शुगर में कोट कर लिया है। और अब हम इसे इस तरीके से प्लेट में सर्व कर लेंगे। और आप चाहे तो इसे कैंडी के शेप में ही कट करके बिना शुगर कोटिंग के भी इसे इस तरीके से डब्बे में निकाल करके स्टोर करके रख सकते हैं। और आप इसे फ्रिज में लगभग 2 महीने के लिए भी रख करके खाएं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर।